वहीं दुनिया की बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल ने भी रूस पर हमले के विरोध में बड़ा ऐलान किया है। एप्पल ने कहा है कि वो रूस में अपने सभी निर्यात और उत्पादों पर रोक लगा रहा है। साथ ही कंपनी ने एप्पल पे और अन्य सेवाओं के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। तो ये एक और बड़ा झटका रूस के लिए। तो एप्पल का बड़ा फैसला है, ना वो प्रोडक्शन करेगा ना अपना प्रोडक्ट बेचेगा। एप्पल पे का इस्तेमाल भी अब रूस में नहीं हो पाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए हर रात भारी होती जा रही है। एक बार फिर रूसी सेना कीव पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। कीव शहर के बाहर रूसी फौज का भारी जमावड़ा है। रूस ने कीव के नागरिकों को यूक्रेनी सेना के ठिकानों के आसपास से दूर चले जाने की वार्निंग दी है। कीव पर कब्जे की जंग की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना अब नागरिकों के नरसंहार पर उतर आई है। यूक्रेन में छठे दिन की जंग की शुरुआत बड़ी तबाही से हुई। छठवां दिन सबसे खौफनाक था। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर पर रूस ने पूरी ताकत से हमला किया। रूस की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर खार्किव शहर सबसे भयानक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। खार्किव पर मंगलवार को सबसे पहला हमला हुआ सुबह 8:01 पर। सुबह के सन्नाटे में जब करीब करीब पूरा शहर सो रहा था, लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, तभी रूसी सेना ने खार्किव सिटी काउंसिल की बिल्डिंग को निशाना बनाकर मिसाइल दागी। रूस का मिसाइल हमला सामने लगी बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। मिसाइल हमले के बाद सिर्फ धुआं और गर्द गुबार ही दिखाई दे रहा था। जब धुआं छटा तो सामने तबाही का मंजर था। पूरी बिल्डिंग और आसपास का इलाका मलबे में तब्दील हो चुका था। मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। बिल्डिंग के बाहर खड़ी गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। बिल्डिंग के अंदर का हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना बड़ा और खतरनाक था। खार्किव में रूसी सेना ने कई प्रशासनिक इमारतों को निशाना बनाया है। खार्किव शहर में अब रूसी हमले की दूसरी भयानक तस्वीर देखिए। रूस की सेना खार्किव के घनी आबादी वाले इलाकों पर तोप से गोले बरसा रही है। खार्किव में रूस की सेना ने कारपेट बॉम्बिंग की। बमबारी का वीडियो भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। खार्किव में रूस अब रिहायशी इलाकों का निशाना बना रहा है। हालांकि रूस हमेशा से इनकार करता रहा है कि वो रिहायशी इलाकों में बमबारी नहीं कर रहा है, लेकिन यूक्रेन में रिहायशी इमारतों पर बमबारी के वीडियो खुद हकीकत बयां कर रहे हैं। एक और वीडियो देखिए। बीती रात भी खार्किव में भयंकर लड़ाई हुई। लगातार हमले और बमबारी से पूरा शहर बर्बाद दिखाई दे रहा है। खार्किव शहर की आबादी 14 लाख है। रूस को लगता था कि खार्किव में उसे कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शहर में ज्यादातर आबादी रूसी बोलने वालों की है। कई रूसियों के परिवार वाले खार्किव में रहते हैं या सीमा पार से व्यवसाय करते हैं। रूस को लगा कि खार्किव के लोग मॉस्को के लिए ज्यादा हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खार्किव के लोगों ने भी रूस के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। खार्किव में गोलीबारी में 20 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। घायलों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है।
खार्किव के मेयर का हौसला बुलंद है, उन्हें उम्मीद है कि जीत उन्हीं की होगी। Дорогие харьковчане, мы с вами переживаем очень тяжелые дни. Сегодняшний день начался с бомбежки Харьковской областной государственной администрации. मंगलवार को खार्किव से भारत के लिए भी बुरी खबर आई। बमबारी की वजह से एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। मरने वाले छात्र का नाम नवीन शेखरप्पा है, जो 21 साल का था। नवीन कर्नाटक का रहने वाला था। रूसी हमले के वक्त वो जरूरी राशन खरीद रहा था, उसी दौरान वो बमबारी की चपेट में आ गया। दो दिन पहले ही उसने परिवार से वीडियो कॉल पर बात की थी। खार्किव में भीषण जंग चल रही है, तो यूक्रेन के एक और दूसरे शहर खेरसान में रूसी सैनिक शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं। पूर्वी खेरसान में रूसी सेना ने यूक्रेन के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। खेरसान की सड़कों पर रूसी सैनिक दिखाई दिए। यूक्रेनी मीडिया का कहना है कि रूस की सेना खेरसान शहर के अंदरूनी इलाके में आम लोगों को निशाना बना रही है। यूक्रेन का यह भी कहना है कि रूसी सैनिकों ने खेरसान में लूटपाट भी शुरू कर दी है। रूसी सैनिक बाजारों और दुकानों में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।